प्रभु गणेश जी ने मेरे उल्का मुख्य योद्धाओं का संहार कर दिया। मेरा यज्ञ समाप्त होने को है, महाशिव प्रकट होते ही होंगे। बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे। प्रभु को रोकने के लिए उनसे युद्ध भी करना पड़ा तो करूंगा मैं। तब मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु आप पर वार कर आपका अपमान नहीं कर सकता। मैं आपका परम भक्त जो हूं प्रभु, सदा आपकी पूजा और सेवा में समर्पित रहने के लिए ही तो आपको सदा निकट रखा था प्रभु। किंतु यदि आप मुझे मेरी भक्ति का दंड देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्रभु, इतना तो चलता है। मेरे जन्मदाता हैं आप, तो मेरा अंत करने का भी अधिकार है आपको। भले ही मैं निर्दोष क्यों ना हूं, आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं ना, तो लीजिए प्रभु। चलता है। मेरे गणेश जी दया कीजिए। मेरी विनती सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो पिताश्री। आपके समान मैं भी आपसे बस नहीं करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। मैं सुरक्षित रहूं, मुझे अमृत तो प्राप्त हो, इसके सिवाय क्या इच्छा होगी इसकी। विश्वास है मांगेगी ये लाभ मुझे होगा। मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगी प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ और भगवान तो अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ मांग कर आपको विवश नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तो बस आपकी सेवा करने की इच्छा रखती हूँ। मुझे ज्ञात है अभी तो आपका पेट भरा हुआ है, किंतु मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप आएंगे ना प्रभु? अवश्य आऊंगा।
से गणेश जी को खीर खिलाने की चिंता है। धन्यवाद प्रभु। भंडासुर, धर्म परायणता के जिस शिखर पर तुम्हारी पुत्री है वहां तो तुम्हें होना चाहिए था। नहीं प्रभु, भंडासुर ने जो भी किया असफल होने के लिए नहीं किया, कुछ समय की बात और है, फिर आप स्वयं देखेंगे कि दुर्दशा होगी अवश्य, किंतु मेरी नहीं, उस देवी और उसकी देवी सेना की। इस युद्ध में अंतिम विजय तो मेरी ही होगी प्रभु। प्रणाम माता। मुझे क्षमा कीजिए माता, मेरे कारण आपकी सेना को इतने विघ्न का सामना करना पड़ा। किंतु पुत्र, तुम्हारे कारण ही तो ये देवी सेना उन विघ्नों से मुक्त हुई है। माता, उसका कारण भी मैं नहीं आप ही हैं, क्योंकि यदि आपने मेरे सभी 8 अवतारों को एक साथ प्रकट ना किया होता तो। मैंने जो भी किया उसकी प्रेरणा भी तो मुझे तुम्हारे यहाँ होने से ही प्राप्त हुई है पुत्र। जिस प्रकार सूर्य के एक किरण से रात्रि का अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार विघ्नहर्ता के होने से निराशा आशा का रूप ले लेती है, बुद्धि संकट को दूर करने का उपाय सुझाती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी महिमा प्रत्येक ब्रह्मांडों में, प्रत्येक कल्प में इसी प्रकार स्थिर रहेगी पुत्र। तुम सदा प्रथम पूज्य के रूप में स्थापित रहोगे और विघ्नहर्ता कहलाओगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की माता, आप अमरपुर से आने वाले इस प्रकाश को देखकर चिंतित क्यों हो गई? भंडासुर का प्रभु महाशिव आवाहन यज्ञ संपन्न होने वाला है। अब शीघ्र ही अमरपुर में महाशिव का आगमन होगा और यदि भंडासुर को महाशिव का साथ प्राप्त हो गया तो उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। शिवाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। में प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त कर भंडासुर 60 सहस्त्र वर्षों तक अपना राज स्थापित करने में सफल हुआ था। यदि इस बार उसने प्रभु महाशिव का वरदान प्राप्त कर लिया तो अनंत काल तक अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाएगा। माता, पूर्व में जब आपकी सेना पर महादेव का रूप धरकर आए असुरों ने आक्रमण किया था तो उनका सत्य जानते हुए भी महादेव के रूप का मान रखने के लिए ही आपकी सेना में से किसी ने भी उन पर अस्त्र नहीं उठाए थे। फिर अब इन असुरों की पराजय कैसे होगी जब स्वयं प्रभु महाशिव उनके साथ होंगे? इस दुष्ट का यज्ञ संपन्न हो गया तो यह धर्म एक निर्मम आखेटक के समान धर्म का आखेट करेगा और उसे विलुप्त हो जाने पर विवश कर देगा।
भंडासुर की तपस्या संपन्न होने में अब अधिक समय नहीं। शीघ्र ही प्रभु महाशिव के अमरपुर पहुंचने पर ये दुष्ट असुर अजय हो जाएगा, जिसमें अब मात्र प्रभु महाशिव के दो पग आगे बढ़ने की ही देर है। जब प्रभु की शक्ति ही थम जाएगी तो वो आगे कैसे बढ़ सकेंगे? प्रभु महाशिव हमारी दृष्टि से ओझल क्यों होने लगे? प्रभु के दिव्य तेज के स्थान पर यहाँ अंधकार क्यों छा गया? यहाँ आने के लिए पग बढ़ा कर भी प्रभु महाशिव यहाँ आए क्यों नहीं? शिव नहीं आए क्योंकि शक्ति नहीं आई, और अब महाशिव वहाँ आएंगे भी नहीं। किसी को विवश कर तो मात्र उसके साधन ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आशीर्वाद तो निश्चल भक्ति से प्राप्त होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।